श्री विधि से गेहूं की फसल लगाने के लिए पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण है बीज का उपचार। चलिए देखते हैं हमारी दीदी लोग कैसे गेहूं के बीज का उपचार कर रही हैं। श्री विधि में सबसे महत्वपूर्ण बातें होता है कि बीज उपचार करना। तुम इस तरह से नहीं की थी ना, जो तुम पिछले साल गेहूं की खेती की उसमें तो तुम्हारा अच्छा फसल नहीं हुआ, कीड़ा उड़ा तो जरूर लगा हुआ होगा जिसके कारण से तुम्हारा कम फसल हुआ। इसलिए हम इस तरह से बीज उपचार हम कर लेंगे तो हमारा कीड़ा लगने का कोई संभावना नहीं होता है और इससे हमारा फसल अच्छा से, हमारा पौधा अच्छा से बनता है। अच्छा भाभी, तो हमें भी बताइए कैसे क्या करते हैं, हम भी करेंगे। देखो, उसको करने के लिए हमको पहले बीज चाहिए, पानी, गुड़, बीज अमृत, एजेक्टोवेक्टर, पीएसबी और ट्राइकोडर्मा चाहिए। पहले हम उबला हुआ पानी लेंगे, उसमें बीज डालेंगे और जो हमारा बीज में जो खराब रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा, वो बीज ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा तो वो बीज को हम निकाल देंगे और निकालने के बाद जो हमारा अच्छा बीज रहता है वो वहाँ बैठ जाता है। फिर उसको हम अच्छे बीज को फिर निकाल के फिर वहाँ पर ही पसार देंगे। देखो, उसके बाद से हम इसको पसार के 4-5 घंटा इसको पसार दिए, ये हमारी सबसे अच्छी बीज बच गई। हम 20 डिसमिल में गेहूं लगा रहे हैं, इसलिए बीज 2 kg लिए हैं। एजेक्टोवेक्टर, पीएसवी, ट्राइकोडर्मा, इनमें से हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे और जो गुड़ का पानी बनाएंगे वो 1 लीटर में 100 ग्राम गुड़ लेंगे। बीजा अमृत को इसमें मिलाएंगे, उसके बाद से इसको अच्छे से मिलाएंगे, छांव में छोड़ देंगे। तो देखो, जो हम अच्छा बीज छाट के रखे हुए हैं गुड़ पानी से इसको मिलाएंगे। देखो, अब ये तो मिल गया, अब इसमें हम दवा डालेंगे। इसके लिए हम एक माचिस का तिल्ली का डिब्बा ले लिए हैं जो कि इसे हम नापने में हमको सुविधा पड़े। ये 10 ग्राम का है तो हम 2 बार डालेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा। दस ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया, ये भी 10 ग्राम हो गया। अब हम पीएसबी और एजेक्टोवेक्टर डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और ट्राइकोडर्मा थोड़ा देर बाद में डालेंगे। ये 10 ग्राम हुआ, फिर 10 ग्राम हुआ, 20 ग्राम हो गया, फिर इसको हम अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। अब इसको हम 12 घंटा से 18 घंटा तक इसको हम अच्छा से बांध के और छांव में छोड़ देंगे। उसके बाद से देखेंगे कल इसको जब बुआई करने लगेंगे तो इसमें छोटा छोटा अंकुरित हो जाएगा। सही तरीके से बीज उपचार करने पर फसल की पैदावार अच्छी होती है और इसमें कीड़े लगने की संभावना भी कम हो जाती है।